स्वागत है आप सबका यू क्रिप्टो परिवार में तो दोस्तों आज हम बात करने वाले ओवर प्रोटोकॉल के बारे में ओवर प्रोटोकॉल में अभी पाम स्टेकिंग होम स्टेकिंग स्टार्ट हो गई अभी मेन कंफ्यूजन है लोगों का कि स्टेकिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए बहुत लोगों का क्वेश्चन है क्या ट्रांजेक्शन करना चाहिए हमारे टोकन किसी के और के अकाउंट में डालना चाहिए फ्रेंड को देना चाहिए फ्रेंड से लेना चाहिए ट्रांजेक्शन करना चाहिए क्या ये सब चीज जरूरी है और बहुत लोगों का क्वेश्चन है स्टेकिंग करूं या ना करूं ये कैसा क्वेश्चन है दोस्तों मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा तो इसी पे आपको पूरी गाइडलाइंस दी दी जाएगी कि स्टेकिंग करना है नहीं करना है इसमें इंपॉर्टेंस क्या है अब हमें महीना भर इसमें क्या काम करना है और प्रोटोकॉल में ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स कैसे जमा करना है। उसके बाद में हम बात करेंगे वेन एक्सचेंज पर हमने काम किया था अर्ली एक्सेस में हमने ज्वाइन कर लिया था दोस्तों अभी इसका सीजन टू चालू हो गया सीजन टू को इन्होंने नाम दिया है स्प्रिंग सीजन और अभी कल क्या चालू हो रहा है वेन मेननेट चालू हो रहा है मेननेट लॉन्च हो रहा है कल स्प्रिंग सीजन कल से चालू हो रहा है तो इसमें क्या करना है ओजी पास क्या है टेस्टनेट बीटा बी टू क्या है इसकी टोटल जानकारी आपको आज की वीडियो सेशन में दे दी जाए स्वागत है आप सबका आपका चैनल यू क्रिप्टो क्रिप्टो की दुनिया फ्री माइनिंग की दुनिया जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पुराने फॉलोअर्स बेल आइकन ऑल सेट पे दबा दीजिए दोस्तों देखो कल मैंने आपके साथ एक प्लेटफॉर्म शेयर किया था गेमिंग प्लेटफॉर्म था बिटक्राफ्ट दोस्तों बहुत हाइप है अभी बहुत लोगों के क्वेश्चन था कि इसमें रेफरल करना जरूरी है बहुत लोगों का कंफ्यूजन हो गया कि इसमें रेफरल बहुत जरूरी रेफरल नॉट इम्पोर्टेंट रेफरल करना जरूरी नहीं है दोस्तों सिर्फ इसमें इतना इंपॉर्टेंट है कि जो छह टास्क है वो छह टास्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है 1350 पॉइंट्स आपके हो ही जाने चाहिए तो ही आप एलिजिबल होने वाले हो तो जिन लोगों ने ज्वाइन किया है टास्क कंप्लीट नहीं किया तो वो टास्क कंप्लीट कर लिए बस ज्वाइन कर लीजिए

वो भी मैंने आपको करके दिखा दिया अभी ओट के है ओट के एक इंपॉर्टेंट पार्ट बचा है तो ओट के करने के बाद आपकी केवाईसी फिनिश हो जाएगी तो ये स्वैपिंग के बारे में जो एक इंपॉर्टेंट पार्ट बचा है उसका वीडियो चार या चैनल कर लेना इसमें के तीन थे, दो पार्ट की वीडियो मैंने आपको बता दी ये तीसरी पार्ट की वीडियो मिल जाएगी तो तुरंत कंप्लीट कर लेना दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं अभी वेन की कल इनका मेनेट लॉन्च हो रहा है कब लॉन्च हो रहा है पंद्रह मार्च यूटीसी टाइम वन पी 1 पीएम को ट लॉन्च हो रहा है स्प्रिंग सीजन चालू हो रहा है एयर ड्रॉप चालू हो रहा है कल ही चालू हो रहा है ये पंद्रह मार्च को उसके बाद में ओजी पास मिंटिंग चालू होने वाला है कल ही थ्री पी यूटीसी टाइम के अनुसार और टेस्टनेट बीटा टेस्टनेट बीटा चल रहा है सिर्फ दो दिन के लिए बीटा टेस्टनेट ऑन है कल और आज तो दोस्तों देखो, देखो इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा आपको कुछ करना नहीं है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक पर क्लिक करना है वेबसाइट ओपन हो जाएगी आपका एड्रेस आपको जहां पर दिखेगा वॉलेट का एड्रेस उसके बाजू में एक बॉक्स होगा उस बॉक्स पे क्लिक करना है और सिर्फ आपको डिपॉजिट और विड्रॉ ये दो ही टास्क करने हैं ठीक है

हमने पार्ट लिया था अर्ली एक्सेस में अभी चार सीरीज इनका चालू होने वाला है तो ये वाला स्प्रिंग सीजन है फर्स्ट वाला तो फर्स्ट वाले में क्या होने वाला है ठीक से सुन लीजिए देर आर फोर टाइप्स ऑफ एयर ड्रॉप बॉक्सेस तो कल हमको बॉक्सेस मिलने वाले ईच कंटेनिंग वेरियस अमाउंट ऑफ वेन टोकन वेन टोकन उस बॉक्स के अंदर रहने वाले है ओके okay, आपको कितना मिलेगा क्या मिलेगा उसके बारे में बात कर लेते हैं ड्रॉप बॉक्स क्यों आपको अगले महीने में मिल जाएगा व्हेन द टोकन लॉन्चेस यू कैन ओपन देम एंड क्लेम व्हेन टोकंस तो आपको लॉन्च कब हो रहा है जून में लॉन्च हो रहा है दोस्तों देखो चार सीजन होने वाले मार्च अप्रैल मई जून तो ये चार सीजन में आपको चार बॉक्सेस मिलेंगे बॉक्सेस में आपको वेट टोकन मिलेंगे वो वेंट टोकन आप बेच सकते हो इन्होंने इनकी बहुत सारी डिटेल्स है वो इन्होंने इनके मीडियम चैनल में डाल दी है तो इंपॉर्टेंट कौन सी है वो मैं आपको बता देता हूं देखो स्प्रिंग सीजन है इसमें आपको क्या क्या मिलेगा गैदर एयर ड्रॉप पॉइंट फ्रॉम द सीजन एंड यू कुड एंड अप ड्रॉप बॉक्सेस फुल ऑफ वेंट टोकन आपको वेंट टोकन बहुत मिलने वाले हैं और यहां पर लिख दिया है यू शुड बी रिवॉर्ड फॉर एक्टिव यूजर तो एक्टिवर्स रहना पड़ेगा वो लोग जो भी कहेंगे हम लोग एक्टिव रह जाएंगे अभी बॉक्सेस कौन से हैं ये चार बॉक्सेस होने वाले एक्सप्लोरर गार्डियन बॉक्स 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 लेजेंडरी तो जैसे आप एक्टिव रहेंगे जितने आपके पॉइंट्स होंगे उस हिसाब से आपको बॉक्स मिलने वाला है और हमने जिसमें पार्ट लिया था अर्ली एक्सेस प्रोग्राम उसके बारे में देखो अर्ली एक्सेस प्री टोकन विल बी कन्वर्टेड टू फिक्स रेशियो टू द स्प्रिंग एयर ड्रॉप पॉइंट अभी ये ओवर वॉलेट के जैसे हो गया हमारे जो एक्सेस पॉइंट्स मिले थे वो स्प्रिंग टोकन में कन्वर्ट हो जाएंगे टोकन के अगला जो सीजन आएगा उसमें कन्वर्ट हो जाएंगे ऐसे कन्वर्ट होते होते हमें आगे जाके थ्रेशोल्ड लेवल पर वेन टोकन मिलेंगे जून में और जून में हम ये वेन टोकन बेच सकते हैं तो ये ऐसा पार्ट है माइग्रेट टू स्प्रिंग एयरड्रॉप ये बटन नजर आएगा कल शायद ये बटन नजर आएगा तो जैसे ही ये अपडेट हो जाता है इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो आ जाएगी दोस्तों तो जिन लोगों ने वेन एयरड्रॉप में पार्टिसिपेट किया है वीडियो का वेट कीजिए आपको डिटेल वीडियो मिल जाएगी उसके बाद में हम बात करेंगे ओवर प्रोटोकॉल के बारे में दोस्तों देखो अभी ओवर प्रोटोकॉल में बहुत लोगों का टेंशन चल रहा है कि अभी हमें स्टेक करना है या नहीं करना है एक फ्रेंड ने तो मुझे कह दिया कि मैं आपको सेंड कर देता हूँ टोकन देखो अभी मैं कहता हूँ सेंड बटन है वहां पर आप मुझे सेंड कर सकते हो मैं आपको सेंड कर सकता लेकिन यहाँ पर ऑफिशियली ऐसा कहीं पर अनाउंसमेंट नहीं है कि सेंड टोकन कर दीजिए ट्रांजेक्शन बढ़ा दीजिए ट्रांजेक्शन बढ़ाने से फायदा होगा कुछ होगा अभी मुझे तो मिला नहीं है दोस्तों अगर आप किसी को यहाँ पर अगर ऑफिशियल अनाउंसमेंट मिल जाती है कि ट्रांजेक्शन बढ़ाने से आपका फायदा होने वाला है तो जरूर मुझे वो लिंक भेज देना तो उस पर मैं डिटेल स्टडी करूंगा और कल की वीडियो में वो बात कवर कर लूंगा एट प्रेजेंट तो, तो ट्रांजेक्शन का कोई महत्व नहीं है कोई मोल नहीं है बराबर ये बात खत्म हो गई इंपॉर्टेंस किस बात की है इंपॉर्टेंस है स्टेकिंग 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 की बराबर तो पर पर बात करेंगे हम पे हमारे सारे लगाने वाले क्यों लगाना है अरे भाई क्यों नहीं लगाना है सब कुछ तो वही मामला है हमें पॉइंट्स जमा करने आपके पास ज्यादा पॉइंट्स होंगे तो वही कल को जाके ओवर टोकन्स में कन्वर्ट होने वाले हैं तो जितना ग्रांड टोकन्स आप जमा कर सकते हो वो जमा करने की कोशिश कीजिए टाई को ट्रांजैक्शन करते हो हाँ अगर इन्होंने कहीं पर बता दिया तो जरूर हम ट्रांजेक्शन करेंगे तो यहां पर मोस्ट ऑफन प्लीज है, तो है। कहीं ना कहीं अच्छा सा सेंट्रलाइज एक्सचेंज पर यह लिस्ट होने के आसार जरूर है मोस्ट प्रोबली बहुत है इसके पे लिस्ट होगा लिस्ट होता है तो इसका रेट बहुत अच्छा निकलेगा तो अभी स्टेकिंग चालू हो गई है आप लोगों ने कर भी दी होगी तो अभी इंपॉर्टेंस क्या है कितना एपीआर मिल रहा है उसका फायदा क्या होने वाला है उस पर बात कर लेते हैं मैं आपको ऐप आप पर लेकर जाता हूँ स्टेकिंग पे कैसे लगाना है और उस पर हम चर्चा कर लेते हैं आप आपका ऐप आप ओपन कर लीजिए ऐप ओपन कर लिया तो ऐप ओपन करने के बाद में ऐसा इंटरफेस होगा देखो ये टोकन हमको कल मिल गए थे पांच टोकन अभी भी ग्रैप और डेली ग्रैप पर क्लिक करते हो यहाँ के दस पॉइंट और मिल जाएंगे आपको नीचे स्टिकिंग का कॉलम है उस पर क्लिक कर दीजिए उस पर क्लिक कर दिया ऐसे इंटरफेस होगा पाम स्टिकिंग अभी मोबाइल में पाम स्टिकिंग कर सकते हैं देखो यहां पर एपीआर कितना है पंद्रह है तो उतने ज्यादा टोकन आपको मिलने वाले काहे को टोकन यहाँ से वहां वेस्ट करते हो स्टेकिंग पे लगा दीजिए स्टेक पे हम क्लिक कर देते हैं अवेलेबल जितना है सारा स्टिकिंग पे लगा लो अरे फायदा उसी में है स्टेकिंग में है। में लगा दो, कर, लो, है, कर लो सारे के सारे एफ डी पे लगा दो नेक्स्ट पे, पे क्लिक करना है, पे क्लिक करना है पे क्लिक कर दिया, अभी बहुत है दोस्तों आप ट्राई करोगे तो होता नहीं अगर स्लाइड कर देखो ओवर वॉलेट इज ओवरलोडेड ट्राई अगेन लेटर पांच मिनट आने के बाद फिर से ट्राई कर लो दो मिनट के बाद आने के बाद फिर ट्राई कर लो ट्राई करते लेना हो जाता है ये स्टेकिंग पे लग जाता है दोस्तों बस यही काम करना है आपको स्टेकिंग पे लगाना है जितने कॉइन्स है आपके सारे के सारे आपको स्टेकिंग पे लगाना है दोस्तों देखो मैंने छह से सात बार ट्राई की तब जाकर मेरा सक्सेस हो गया देखो कितनी बार रिक्वेस्ट फेल्ड दिख रहा है ना आपको रिक्वेस्ट फेल हो रही है हो ही नहीं रहा है कन्फर्म हो ही नहीं रहा है तो आप भी बहुत बार ट्राई कीजिए रिक्वेस्ट सबमिटेड अब जाके ये कन्फर्म हो गया तो स्टेकिंग पर मेरे पांच सौ नौ कॉइन्स यहाँ पर लग गए कितना बढ़िया है ना सब कुछ देखो हिस्ट्री में आ गए अगर आपको सब कुछ चेक करना है तो जो पांच सौ लिखा है वहाँ पर क्लिक कर दीजिए आपको पूरी ट्रांजेक्शन की हिस्ट्री मिल जाएगी वहां पर हम क्लिक कर देते वहां पर क्लिक कर दिया देखो यहाँ पर अमाउंट दिख रहा है फीस कितनी कट हो गई डेट कितनी है ट्रांजेक्शन आईडी क्या है, सारी डिटेल्स हमारी स्ट्रेकिंग की मिल जाती है तो ऐसे हमें स्टेकिंग पर लगाना है दोस्तों स्टेकि पर लग गए नहीं फिर से चेक कर लीजिए देखो इतने हमारे पॉइंट स्टिकिंग पर लग गए हैं अभी थोड़ी देर के बाद आप यहां पर आते हो अभी जीरो है थोड़ी देर के बाद यहां पर आते हो तो यहाँ पर आपके क्लेमिंग पे लग गए हैं पॉइंट्स आपको नजर आएंगे तो देखो यहाँ पर स्टेकिंग पर लग गए क्लेमिंग है आप कभी भी क्लेम कर सकते हो पॉइंट्स बढ़ रहे हैं तो पॉइंट्स बढ़ रहे हैं पॉइंट्स बढ़ते रहेंगे आपके क्लेमिंग पे मिलते रहेंगे उतने पॉइंट्स जमा करते रहना जितना आप जमा करोगे जितना स्टेकिंग करोगे उतना कर सकते हो देखो अभी एक पॉइंट जमा हो गया एक और ये तुरंत स्टेकिंग पे लगा दो ना क्लेम कर लो स्टेकिंग पे लगा दो क्योंकि स्टेकिंग में ही फायदा है दोस्तों स्टेकिंग जितना ज्यादा करोगे उतना आपको मुनाफा मिलने वाला एट प्रेजेंट वही एक है कि जितना जित्रांड ओवर टोकन आपके पास एंड ऑफ द सीजन कौन सा सीजन ये सीजन ओवर प्रोटोकॉल का बीटा टेस्टनेट सीजन टू एंड होने तक आपके पास जितने ग्रांड टोकन होंगे उसी के रेशियो में ओवर हमको मिलने वाले वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे अगर आपको मेरा टेलीग्राम चैनल उसके साथ मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है या मुझे ट्विटर पर फॉलो करना है तो इन सब की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी यहीं पे विदा लेता हूं कल फिर मिलेंगे इसी टाइम पर बाय फ्रेंड सी यू